श्यामला हिल्स के एक हाई प्रोफाइल सरकारी बंगले में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। हाथ में कागज का एक पुर्जा थामे उस शख्स के चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। कभी नजर कागज के पुर्जे पर तो कभी हॉल के उस दरवाजे पर जहां से कोई आने वाला था। इंतजार के क्षण ज्यादा ना खींचे। गेरुए कपड़े से सजे लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ कोई अब उस व्यक्ति के सामने था। बोलो, सिर्फ एक शब्द ने उस हॉल के मौन को धुआं सा उड़ा दिया। वो मैडम, शब्दों को थामकर उस व्यक्ति ने हाथ में पकड़े हुए कागज को आगे बढ़ा दिया। मैडम, अदालत का वारंट। सहमे हुए उस व्यक्ति के मुंह से इतने ही बोल फूटे। किस बात के लिए वारंट? कहां से आया है? सामने से यह सवाल गूंज पड़े। हालांकि राजनीति में कोर्ट कचहरी थाना वारंट कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जिस शख्स के लिए यह वारंट था और जिस मामले को लेकर वो गंभीरता की चादर ओढ़े था, बस यही वो समय था साहब जिसने एक कद्दावर नेत्री का वो रास्ता तय कर दिया जो अर्श से फर्श पर ले जाने के लिए आगाज था। शख्सियत कोई और नहीं बल्कि वो थी फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचने वाली नेत्री उमा भारती। एंटी इनकम्बेंसी पर सवार अपने धारदार भाषणों के अस्त्र से दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार बनाकर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली उमा भारती। 10 साल सत्ता को थामे रहने वाले दिग्गी को उमा ने एक ही झटके से विपक्ष में लापटका। दरअसल जो कागज उस समय मुख्यमंत्री उमा भारती के हाथ में था वो हुबली अदालत द्वारा जारी किया गया वारंट था। उमा ने सरसरी तौर पर कागज पर नजर फेंकी और अपने सियासी सलाहकारों सहित कानून के जानकारों को भी बुलावा भेज दिया। दरअसल 15 अगस्त 1994 का वो दिन जब उमा हुबली के कित्तूर रानी चेन्नम्मा मैदान, जिसे आम भाषा में ईदगाह मैदान भी कहा जाता है, तिरंगा फहराने गई थी। इसी कार्यक्रम के चलते हुबली में दंगा भड़क गया और लगभग 6 लोग काल के गाल में समा गए। कर्नाटक पुलिस ने उमा के खिलाफ वारंट जारी किया लेकिन कोई ध्यान उस ओर नहीं दिया गया। पूरे 17 वारंट जारी किए जाने के बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 23 अगस्त 2004 को यानी कि सत्ता थामने के 8 महीने बाद ही उमा को कुर्सी छोड़नी पड़ी। कुर्सी भले ही अगस्त में छिनी हो लेकिन साहब उमा की जीत के साथ ही हटाने की भी पटकथा लिखना शुरू हो चुकी थी। साल 2003 उमा ने दम दिखाया और भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी चढ़ती गई। तेज तर्रार उमा भारती ने 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेत्री के तेज तर्रार और तुनक मिजाज से पार्टी के नेता ही असहज हो चले। यहां तक कि अफसरान को भी उमा सालने लगी थी। प्रदेश के नेताओं को तो छोड़िए, केंद्रीय नेताओं का कद भी उमा के आगे मानो पौना साबित होने लगा था। यहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी चिंता सता रही थी कि उमा उनके खिलाफ सख्त हो सकती हैं। बस यही एक बड़ी वजह बनी जिसके चलते पक्ष और विपक्ष अंदरूनी तौर पर गलबैया करने लगा। गोटियां बिछी। कर्नाटक में तब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे एन धर्म सिंह। धर्म दिग्गी के बहुत अच्छे जानकार थे। अचानक 10 साल पुराना मामला जिंदा होता है, वारंट जारी होता है लेकिन सूचना उमा तक नहीं पहुंचती। कर्नाटक पुलिस भी सक्रियता दिखाती हुई भोपाल की सीमा में आ धमकती है। लिखी पटकथा के अनुसार मामले को तूल दिया जाता है
विपक्ष वारंट को लेकर सुर्ख होता है तो सत्ता पक्ष के नेता ये समझाने में जुट जाते हैं कि यदि आप तिरंगे के नाम पर इस्तीफा देंगी तो सियासी कद में और इजाफा होगा। गड़बड़ छाले में उलझी उमा जोश में होश खो देती हैं। महान बनने की जुगत में अपनी कुर्सी को छोड़ने का फैसला कर डालती हैं। कुछ शुभचिंतक समझाते भी हैं, लेकिन उमा तो अपने ही एक भ्रम जाल में फंसी थी। उमा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वो जमानत लेने का प्रयास नहीं करेंगी। बनते बिगड़ते समीकरण के बीच आखिरकार कुर्सी करीबी बाबूलाल गौर को देवी देवताओं की कसम खिलाकर सौंप दी गई। कसम कि कुछ समय बाद गौर उनके लिए ये पद छोड़ देंगे। यहां कर्नाटक पुलिस ने भोपाल धमक कर उमा को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उमा की जमानत हो गई, लेकिन तब तक राजनीति करवट ले चुकी थी। कसम खाने के बाद भी गौर अपने वादे से मुकर गए। उमा फड़फड़ाती रही, धौंस जमाती रही, लेकिन आला कमान ने तो कुछ और ही सोच लिया था। बुनी रणनीति के अनुसार गौर को तो हटाया गया, लेकिन उमा खाली हाथ ही रह गई और कुर्सी मिली शिवराज सिंह चौहान को। फैसले से उमा बिलबिलासी गई थी। वर्चस्व घटता देख वो फट पड़ी, और ऐसी फटी कि आत्मविश्वास के चलते नई पार्टी ही खड़ी कर डाली, भारतीय जनशक्ति पार्टी। नया दल बना, लेकिन जैसे बना था वैसे ही बिखरता गया। उमा को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें आस थी। जो साथ थे वो छोड़कर अपनी मूल पार्टी यानी कि फिर से भाजपा के हो लिए। स्थिति परिस्थिति से लड़ते आखिरकार उमा भारती को अपनी हट छोड़कर भाजपा में लौटना ही पड़ा। दिन था 7 जून 2011। छठी क्लास तक पढ़ी उमा का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत डूंडा नामक स्थान पर हुआ। उमा निडर थी, बेबाक थी, धारा प्रवाह बोलना उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मंदिर आंदोलन से जुड़ी उमा युवा अवस्था में ही भाजपा में शामिल हो गई। 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1989 में खजुराहो सीट से सांसद चुनी गई। 1991, 96 और 98 में अपनी ये सीट बरकरार रखी। 99 में भोपाल की लोकसभा सीट से संसद तक का रास्ता तय किया। वाजपेयी सरकार में उन्होंने मानव संसाधन विकास, पर्यटन, युवा मामले एवं खेल और कोयला खदान जैसे विभिन्न राज्य और कैबिनेट स्तर के विभागों में मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। भाजपा में पुनः वापसी के बाद गंगा बचाओ अभियान का आगाज किया। मार्च 2012 में यूपी की चरखारी सीट से विधायक चुनी गई। 2014 में झांसी से लोकसभा जा पहुंची, मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्रालय का जिम्मा हाथ लगा। समय के साथ साथ उमा और अधिक हाशिए पर खिसकती गई। आज उमा की स्थिति पार्टी में बस उपस्थिति मात्र है। फायर ब्रांड नेत्री अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत असहज हैं। मुख्य धारा में आने के लिए तड़प साफ दिखती है। आगामी रणनीति के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा को आम कर दिया है। शराबबंदी के मुद्दे को मुखर करती हुई अब चर्चाओं में बने रहने के लिए दुकानों में पत्थर फेंकने से भी कोई परहेज नहीं। यानी कि फायर ब्रांड नेत्री के अंदर की आग अब भभक रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आग उमा को खोए हुए शीश पर ले जाकर छोड़ती है या फिर सियासी करियर को खाक। चलिए, ये तो मसला जुड़ा हुआ था उमा भारती से। इंतजार कीजिए, अगले एपिसोड में बात होगी अन्य किसी नेता की जिसके एक कदम ने उसे पहुंचा दिया अर्श या फिर सीधे फर्श पर। लेकिन तब तक देखते रहिए ऑफ।